माय डियर बिलव्ड स्टूडेंट्स, आदर और आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं भरत कुमार डुलानी आपके समक्ष फिर से हाजिर हूँ एक नई स्ट्रेटजी वीडियो लेके दोस्तों। और ये रहेगा बेहतरीन राजस्थान वालों के लिए दोस्तों। राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज का बीएससी नर्सिंग का फॉर्म बंद हो चुका है, अब उसकी करेक्शन डेट चालू हो गई है। अब करेक्शन डेट चालू होने के बाद आपको मैं यहाँ पे लिख के दे सकता हूँ कि आज से 15 दिन में आपका राजस्थान का एग्जाम का डेट निकल जाएगी दोस्तों। इसका रीजन मैं आपको पहले बताता हूँ, क्योंकि 15 दिन में उनको एग्जाम कंडक्ट कराना ही है, क्योंकि इंडियन नर्सिंग काउंसिल का ऑर्डर था कि 1 अगस्त से आपको आपको नया सेशन चालू करना है। पर राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज काफी पीछे चल रही है आईएनसी के ऑर्डर से, इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स मैं आपके सामने लेके आया हूँ 15 दिन की स्ट्रेटजी और प्लान, कि आपको ये 15 दिन कैसे यूटिलाइज करने माय डियर स्टूडेंट्स, और यूटिलाइज करने के साथ साथ इफेक्टिवली कैसे यूटिलाइज करने। ऐसा नहीं कि सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं और 15 दिन में सोच रहे हैं कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। अगर माय डियर स्टूडेंट्स आप पिछले 5-6 महीने से अच्छे तरीके से पढ़ रहे हैं, लेकिन आपने इन 15 दिनों का इस्तेमाल अगर ढंग से नहीं किया तो आप हो सकता है रैंक अच्छी आपकी नहीं आ पाए। सिलेक्शन तो हो जाएगा लेकिन रैंक अच्छी नहीं आ पाए दोस्तों। तो ये वीडियो आराम से, ध्यान से, इत्मीनान से और सुकून से देखने का कि एग्जाम प्लान और स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए हमारी। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं एग्जाम डेट पे। तो एग्जाम डेट माय डियर स्टूडेंट्स 4 अगस्त से 10 अगस्त के बीच में आ सकती है। यूजुअली क्या होता है दोस्तों, जितना मेरा एक्सपीरियंस है, राजस्थान का जो पेपर है ना वो संडे को होता है, वो संडे को ही होता है। और माय डियर स्टूडेंट 4 अगस्त संडे है ना, पर हो सकता है इस बार क्योंकि राजस्थान आरयूएचएस लेट हो गया है तो 4 अगस्त को नहीं करके 4 से 10 अगस्त के बीच में कोई एक ऐसा विंडो आपके लिए ओपन कर दे मंडे ट्यूसडे वेनसडे को, जिसमें आपका एग्जाम हो जाए। पर 80% संभावना यह है कि 4 अगस्त को होने वाला है पेपर, ठीक। तो आज से आपको गिन के 15 दिन बचे हैं माय डियर स्टूडेंट्स, इसीलिए ये स्ट्रेटजी आपको देखना बहुत जरूरी है। सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट्स आपको क्या करना चाहिए, आपको इस 15 दिनों में सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पे फोकस करना है। और आपको रिवीजन भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है नॉर्मल रिवीजन, जिसमें क्या होता है ना कि आप पढ़ने लगते हो, पढ़ते हो तो आपको जो चीज नहीं आती है उसको भी पढ़ के आगे निकल लेते हो, आपका दिमाग स्टेबलाइज हो जाता है, बैठ जाता है वहां पे। दूसरा टाइप का जो रिवीजन होता है उसको बोलते हैं रेट्रोग्रेड रिवीजन। अब सर ये क्या है, सपोज करना आपको कोई टॉपिक नहीं आता है, तो जब आप उसको पढ़ने लगते हो नॉर्मल तरीके से तो उसको आप स्किप कर देते हो कि ठीक है यार अब नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं है। रेट्रोग्रेड रिवीजन में सबसे पहले आप क्वेश्चन के थ्रू रिवीजन में जाते हो। सर मतलब आप क्वेश्चन लगाने लगते हो, जैसे जैसे आप क्वेश्चन लगाते हो तो आपको समझ में आता है कि सर ये टॉपिक मेरे को इतना अच्छे से नहीं आता है, ये टॉपिक बहुत अच्छे से आता है। तो जो टॉपिक आपको अच्छे से नहीं आता है उसको जब आप क्वेश्चन लगाते हो तो आपके दिमाग में एक क्लिकबेट बनता है कि सर हमको ये क्वेश्चन नहीं आता है तो हमको इसकी थ्योरी पढ़नी चाहिए। अब आप उसका क्वेश्चन से रिलेटेड आप थ्योरी पे जाते हो। दोस्तों रेट्रोग्रेड रिवीजन के काफी फायदे हैं। जब आपको एक टॉपिक 60-70% ही आता है, आपको बाकी 30% के लूप होल्स भरने में रेट्रोग्रेड रिवीजन मदद करता है। तो आपको हमेशा रिवीजन क्वेश्चन से करना चाहिए, ना कि आपको थ्योरी पढ़ के। ये ट्रिक आपको काफी ज्यादा काम आएगी दोस्तों, क्योंकि नॉर्मल रिवीजन में अगर आप एक ही चीज को 4 से 5 बार पढ़ चुके हो तो 6वीं बार आपका दिमाग उसको सबकॉन्शियसली एक्सेप्ट कर लेता है, उसको आगे बढ़ने नहीं देते है। रेट्रोग्रेड रिवीजन में जब आप क्वेश्चन लगाते हो तो आपका दिमाग कॉन्शियस माइंड चलता है, तब आपको समझ में आता है अरे यार ये तो टॉपिक ही नहीं समझ में आ रहा है तो हमको जाके थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। ये होता है दोस्तों रिवीजन करने का तरीका आखिरी के 15 दिनों में, आपको नॉर्मल रिवीजन नहीं करना है। अब बात करते हैं दोस्तों और आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपको देना चाहिए इन 15 दिनों में मॉक टेस्ट। आपको अपना दिन ऐसे डिवाइड करना चाहिए सर कि हम रिवीजन करें, उसके बाद बचा हुआ टाइम आपको मॉक टेस्ट दे। तो दोस्तों भूषण साइंस आपके लिए फ्री में, वापिस बोल रहा हूं, फोकट में फ्री में 1 रुपया भी आपको नहीं देना है, फ्री में आपको मॉक टेस्ट देगा 6, जिसका
जिसका शेड्यूल 22 तारीख से मंडे से आपको 22, 23, 24, 25, 26 और 27 ये 6 मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे दोस्तों। अब ये क्यूरेटेड मॉक टेस्ट है दोस्तों, जो हमारे भूषण साइंस की टीम ने सिर्फ और सिर्फ राजस्थान वालों के लिए बनाए हैं। अब मैं इसका आपको डेमो भी दिखा देता हूं कि आपको मॉक टेस्ट देना कैसे। सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट्स, आपको भूषण साइंस प्लस ऐप में जाना है। आपको एक बार करके दिखाते हैं, है ना। ये देखो, ये भूषण साइंस का आपका ऐप है, ठीक। अब इसमें ये भूषण साइंस का आपका ऐप है, ठीक, ओके। इसमें आपको फ्री मटेरियल में जाना है। यहाँ पे ये गया सर, एक सेकेंड, ये गया फ्री मटेरियल पे, ठीक। अब देखो, यहाँ पे फ्री मटेरियल पे जब आप जाओगे तो आपको यहाँ पे टेस्ट पे क्लिक करना है। पहले ऊपर डॉक्यूमेंट आएगा, फिर वीडियोस आएगा, फिर टेस्ट आएगा, ठीक है। आपको क्या करना है सर, टेस्ट में जाना है। टेस्ट में फ्री टेस्ट पे क्लिक करना है। तो फ्री टेस्ट में क्लिक करोगे तो ये देखो, बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम। आप लोग एंट्रेंस वाले हो तो आप लोगों को एंट्रेंस में जाना है। फार्मेसी और नर्सिंग में मत चले जाना भाई। अरे एंट्रेंस का एग्जाम दे रहे हो ना भाई, तो फार्मेसी और नर्सिंग में नहीं जाना है। यहाँ पे क्लिक करना बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस, तो ये खुलेगा। अब देखो यहाँ पे दो फोल्डर बने, मॉक टेस्ट और डेली फ्री टेस्ट। मॉक टेस्ट में क्या लिखा है सर, स्टेट वाइज। तो मॉक टेस्ट में जाना आप स्टेट वाइज में, ठीक। जब आप स्टेट वाइज में क्लिक करोगे तो आपको राजस्थान का एक फोल्डर मिल जाएगा। इसमें क्लिक करना माय डियर स्टूडेंट्स, तो ये आपको ये खुल जाएगा चैप्टर वाइज टेस्ट। इसके अंदर जाना और चैप्टर वाइज टेस्ट में अब आप यहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हो टेस्ट, ठीक। यहाँ पे अटेम्प्ट पे क्लिक करना, वहां पे आपसे पूछेगा कि आप सेटिस्फाइड हो कि नहीं, तो वहां पे एग्री में चेक बॉक्स पे क्लिक कर देना। उसके बाद आप अटेम्प्ट कर लेना टेस्ट, और वहीं पे आप सॉल्यूशन भी देख सकते हो, ठीक है। इसी ऐप में आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। अब दोस्तों ये जो पूरा प्रोसीजर है ना, ये आपके लिए टोटली फ्री है। क्यों? क्योंकि देखना, एक सेकेंड आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ऐप डाउनलोड करना है, ठीक है। ऐप डाउनलोड करने के बाद देखो, यहाँ पे ऊपर में तीन डंडी है ना, तीन तो हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल है, वर्टिकल नहीं, ठीक है। उस पर क्लिक करना तो आपको यहाँ पे फ्री मटेरियल का ऑप्शन आएगा। यहाँ पे सारा चीज आपको फ्री में मिलेगी, इसलिए मैं बोल रहा हूँ माय डियर स्टूडेंट्स, भूषण साइंस आपके लिए मॉक टेस्ट लाए, इसको अटेम्प्ट करना, आपको काफी फायदा होगा। थोड़ा दोस्तों आते हैं वापिस स्ट्रेटजी पर, है ना। अब देखो ये एग्जाम डेट हो गई, आपको क्या क्या करना चाहिए, रिवीजन करना है। मॉक टेस्ट कहाँ से देना है सर, भूषण साइंस ऐप से, जिसका मैं डेमो आपको दिखा दिया है ना, भूषण साइंस ऐप में। इसके बाद भी अगर कोई डाउट होगा तो डिस्क्रिप्शन में कमेंट करके पूछ लेना, हम लोग आपको जरूर जवाब देंगे, ठीक, ओके। अब क्या नहीं करना चाहिए, देखो सबसे पहले तो आपको कोई भी नया चैप्टर नहीं पढ़ना है। कोई भी आपको इस टाइम में लास्ट के 15 दिन में आपको कोई भी नया चैप्टर नहीं पढ़ना है। सर क्यों नहीं पढ़ना है, क्यों? लास्ट के 15 दिन में नया चैप्टर पढ़ के कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मार लेते हैं, क्यों? क्योंकि समझना माय डियर स्टूडेंट लॉजिकली, नया चैप्टर पढ़ने में जो आपका टाइम जाएगा वो टाइम आप 4 चैप्टर को रिवाइज करने में लगा सकते हो। लॉजिक से सोचो, रहना एग्जाम स्मार्ट वर्क से निकलता है, हार्ड वर्क से नहीं। तो कोई नया चैप्टर नहीं पढ़ना, क्योंकि ये आपका नया चैप्टर पढ़ तो लोगे आप, लेकिन ये कराएगा टाइम वेस्ट। ये आपका क्या कराएगा सर, टाइम वेस्ट। तो सपोज करना आपको फिजिक्स में सर मैग्नेटिज्म एंड मैटर बिल्कुल आता ही नहीं है, कोई बात नहीं, छोड़ दो भाई। अब 15 दिन में कुछ नहीं कर पाओगे, है ना। अब आता है आपको उसको बार बार रिवाइज करना है। अच्छा आजकल क्या है, 15 दिन में बहुत सारे बैचेस निकले हैं कि सर न्यू बैच ज्वाइन कर लेते हैं, 15 दिन में आपको जीरो से हीरो बना देंगे। माय डियर बिलव्ड स्टूडेंट्स, ग्राउंड से जुड़े रहो, जमीन से जुड़े रहो, 15 दिन में कोई नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम नहीं निकलता है। तो इस मोमेंट पे कोई भी नया बैच ज्वाइन नहीं करना है, क्रैश कोर्स टाइप, है ना। उसका उसका आपको इतना खासा फायदा नहीं होगा, मैं आपको पहली बता रहा हूं। दूसरी बात, बट आजकल आप लोग क्या करते हो, फुल लेंथ क्लासेस को सर्च करते हो यूट्यूब में, है ना। मत करो सर्च, फुल लेंथ क्लासेस का समय नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रिवीजन और मॉक टेस्ट देने का समय। रिवीजन और मॉक टेस्ट दो और मॉक टेस्ट को एनालाइज करो। सिर्फ मॉक टेस्ट देने से मतलब नहीं है, मॉक टेस्ट देने के बाद आपको एनालाइज करना चाहिए कि सर मैंने क्या गलती की, क्यों गलती की, कैसे गलती की, उसको लिख लो, उसके बाद आगे बढ़ो, फिर रिवाइज करो, फिर मॉक टेस्ट दो।
रिवाइज एंड मॉक टेस्ट, रिवाइज और मॉक टेस्ट बस, और कुछ नहीं करना है। तो बिल्कुल भी फुल लेंथ के क्लासेस आप ज्वाइन मत करो। हाँ मैराथन चल रही है हमारी, उसको देख सकते हो। सर उससे क्या होगा, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस है भाई, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस है। अगर आपको लाइव नहीं बन रहे तो लाइव मत देखो, आप क्या करो रिकॉर्डेड देख लो 2x में, आपका टाइम बच जाएगा लेकिन आपको क्वेश्चन तो मिलेंगे जो आपको प्रैक्टिस करने के काम आएंगे। स्पेशली फिजिक्स में आपको थोड़े से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने ही पड़ेंगे। बायोलॉजी और केमिस्ट्री में चलो थ्योरी पढ़ के निकाल भी लोगे इस समय अगर आप क्वेश्चन नहीं करोगे, लेकिन फिजिक्स में तो क्वेश्चन लगाने पड़ेंगे। इसलिए यहाँ पे आप मैराथन देख सकते हो, लाइव आते हो तो अच्छी बात है, नहीं आ पा रहे हो कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड को 2x में देख लेना। चलो थोड़ा और आगे डिस्कशन करते हैं। अच्छा जो लोग अच्छे से पढ़े हैं और जो लोग ठीक ठाक भी पढ़े हैं वो आजकल वो क्या कर रहे हैं सर, टू मच ओवर थिंकिंग, बहुत ज्यादा सोच रहे हैं कि सर मेरा एग्जाम निकलेगा कि नहीं निकलेगा, रिजल्ट आएगा तो गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा कि प्राइवेट मिलेगा, सर फीस कितनी होगी, सर कॉलेज कितने। अरे भाई ये सब 15 दिन पहले सोचने का समय नहीं है, आपको ज्यादा इस बारे में ओवरथिंकिंग नहीं करनी है ना रिजल्ट के बारे में सोचना है। आपको बस क्या करना है, जाके अपना बेस्ट देके आना है 200%, है ना। आपको कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करनी, श्री कृष्ण भगवान ने जैसे बोला है ठीक। आप लोग क्या कर रहे हो, फल की चिंता अभी से ही कर रहे हो, 15 दिन पहले मत करो माय डियर स्टूडेंट्स। आप फोकस्ड रहो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम देने पे, दैट्स इट, और अभी नहीं सोचना है। जब आपका एग्जाम हो जाए उसके बाद रिजल्ट की चर्चा करेंगे आराम से। अच्छा अब इस बीच 15 दिन में अभी तक तो ठीक है, अब जैसे जैसे आपका एग्जाम पास आएगा आपकी एंग्जाइटी लेवल बढ़ने लगेगा धीरे धीरे, है ना। तो उसकी वजह से क्या होगा, कुछ लोगों को स्लीप डिप्राइव्ड होने लगते हैं कि सर हम ज्यादा पढ़ लेते हैं सोते नहीं है। माय डियर स्टूडेंट्स आपको मिनिमम 6 घंटा सोना ही है, मिनिमम 6 घंटा सोना ही है। अगर आप 6 घंटे से कम सोओगे तो 2-3 दिन बाद आपका माइंड ऑलरेडी थकने लगेगा, आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल ड्रास्टिकली गिर जाएगा। आपको क्या लगेगा कि सर मैं 2-3 दिन तो 6 घंटे बचा लिया, लेकिन 4th दिन आपको फिर पूरा दिन सोना पड़ेगा। तो ऐसे मत करो, कंसिस्टेंटली आपको सोना भी है, पढ़ना भी है, मॉक टेस्ट भी देना है, रिविजन भी देना है, और ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे आपके दिमाग में एंजाइटी बढ़े। 6वीं चीज यहाँ पे और लिख देता हूँ, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है। हेल्थ का ध्यान रखना है मतलब अभी अपनी हेल्थ का ध्यान रखने से मतलब है बाहर का ऐसा कुछ नहीं खाना है जिससे आपको पता है कि आप बीमार हो सकते हो। नहीं हमको पता है सर कि हमको पिज्जा से दिक्कत है फिर भी खा रहे हैं 15 दिन पहले, मत करना ये काम। क्योंकि आपको अभी 15 दिन डिसिप्लिन तरीके से फोकस्ड होकर रिविजन और मॉक टेस्ट लगाना है और जाके एग्जाम दे के आना है, ताकि आपका नर्सिंग का जो एंट्रेंस का देने का सपना है किसी गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ने का, माय डियर स्टूडेंट्स वो राजस्थान में पूरा हो सके। और मैं आपको और एक चीज बताता हूँ, राजस्थान इतना बढ़िया स्टेट है, यहाँ पे 39 गवर्नमेंट कॉलेजेस है, यहाँ पे 39 गवर्नमेंट कॉलेज है जो इंडिया में हाईएस्ट है। अरे 40 गवर्नमेंट कॉलेज सिर्फ और सिर्फ नर्सिंग के, बहुत बड़ी बात होती है। अच्छा और इसमें सिर्फ 12th पूछता है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, मतलब आपका सिलेबस भी कम है माय डियर स्टूडेंट्स और गवर्नमेंट कॉलेज की संख्या भी ज्यादा है। इसका मतलब आपको क्या करना चाहिए सर, हमको इसको अच्छे से अटेम्प्ट करना चाहिए माय डियर स्टूडेंट्स। तो क्योंकि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, सिलेबस कम गवर्नमेंट कॉलेज ज्यादा मतलब अपॉर्चुनिटी ज्यादा, और अगर अपॉर्चुनिटी ज्यादा तो कंपटीशन थोड़ा कम होगा, लेकिन पेपर भी ठीक ठाक आता है ना, पर इतना भी ज्यादा हाई नहीं आता है कि नीट लेवल का क्वेश्चन पूछ दे, नहीं पेपर ठीक ठाक ही आता है, आप अटेंड कर सकते हो अगर आपने ईमानदारी से 4 से 5-6 महीना तैयारी इसकी की है माय डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद आपको और बता दूं, अगर आप 2025 का एस्पिरेशन रखते हो बीएससी नर्सिंग का, तो भूषण साइंस ने वो भी 2025 की 1 अगस्त से बैचेस लॉन्च कर दिए माय डियर स्टूडेंट्स। 1 अगस्त से आपको लाइव और रिकॉर्डिंग हम लोग सेशन देंगे, किसमें, भूषण साइंस प्लस ऐप में, जो अभी आपको ऐप दिखाया उसी में आपको पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, इतने एमसीक्यू होंगे, दोनों हिंदी एवं अंग्रेजी माध्यम में उपलब्ध है, मतलब जिसको हिंदी में देखना है वो हिंदी में देखो, जिसको अंग्रेजी समझ आती है वो उसमें देखे, सर जिसको दोनों में मजा आ रहा है दोनों में देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा फुल सिलेबस कंप्लीशन होगा,
PYQ सॉल्यूशन होंगे, टेस्ट होंगे, आपके मॉडल पेपर आपको दिए जाएंगे, सब आपको इसी में पैकेज इंक्लूडेड है, अलग से आपको कुछ परचेज करने की जरूरत माय डियर स्टूडेंट्स नहीं है। तो दोस्तों ये था पूरा राजस्थान का स्ट्रेटजी वीडियो, आशा करता हूँ ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा। हेल्पफुल होगा ना तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और हमारा नया भूषण साइंस का यूट्यूब चैनल भी खुला है, भूषण साइंस नर्सिंग एंट्रेंस, ये भी एक चैनल है जिसमें अपन सिर्फ एंट्रेंस की तैयारी करने वाले हैं, तो उसको आप सर्च कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा, उसको सब्सक्राइब कर लेना। 1 अगस्त से वहाँ पे सारी लाइव क्लासेस चालू होंगी दोस्तों। तो दोस्तों इसी के साथ अब मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, शब्बा खैर, टेक केयर, भरत डुलानी साइनिंग ऑफ।